तो आइए जाने 8 रीजंस जिसके वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है और आपको पता भी नहीं है। सबसे पहला रीजन, नॉर्मल हेयर फॉल। जी हाँ, सम अमाउंट ऑफ हेयर फॉल इज नॉर्मल। 10 से 100 बाल अगर एक दिन में गिरते हैं वो नॉर्मल होते हैं, उसमें परेशान नहीं होना है। डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपका हेयर फॉल जीरो हो, और ये हेयर फॉल भी डिपेंड करेगा सीजन पे, आपकी शैम्पूइंग फ्रिक्वेंसी पे, आपकी कोम्बिंग फ्रिक्वेंसी पे और आपके हेयर लेंथ पे। दूसरा है हार्ड वाटर सप्लाई, जो काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं। अब ये हार्ड वाटर या खारा पानी क्या होता है? अगर आपके वाटर में, वाटर सप्लाई में सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है, तो वो उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। और आपको पता कैसे लगेगा? या तो गलती से अगर वो मुंह में चला गया तो वो खारा टेस्ट करेगा, नमकीन टेस्ट करेगा, या आप जब अपने बालों का शैम्पू निकालने की कोशिश कर रहे हैं या शरीर से साबुन निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो साबुन निकलेगा नहीं। आपको फिर भी लगेगा कि कुछ अमाउंट आपके सोप बॉडी में रह गया है, शैम्पू बाल में रह गया है। इससे आपको पता लगता है कि आपका जो वाटर सप्लाई है वो खारा पानी है। और कई बार अगर आपने उसको बाल्टी में पानी रख दिया है तो वहाँ पे एक लेयर जम जाती है उस सॉल्ट की, खारा पानी के वजह से। ये खारा पानी आपके स्किन के लिए भी नुकसानदेह है और बालों के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि वो खारे पानी के जो सॉल्ट्स होते हैं आपके स्कैल्प पे डिपॉजिट हो जाते हैं, आपके स्कैल्प को इरिटेट करते हैं, जिसके वजह से आपका हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तो इसका क्या उपाय है? या तो आप अपने प्लम्बर से बोलिए आपके वाटर सप्लाई में वो वाटर सॉफ्टनर एक इंस्टॉल कर दे, जिसके वजह से आपके सप्लाई से सारी हार्डनेस निकल जाएगी और सिर्फ नॉर्मल पानी आपको सप्लाई का मिलेगा। अगर ये नहीं करना चाहते तो फिटकरी ले लीजिए मार्केट से, बाल्टी में जो पानी भरा हुआ है उसमें फिटकरी डाल दीजिए, सारा सॉल्ट नीचे जमा हो जाएगा और ऊपर वाले पानी से नहा लीजिए। और ये भी नहीं करना है तो जो पीने वाला पानी है उससे अपने बाल धोइए और अपने बालों को डैमेज होने से बचाइए। तीसरा रीजन है डैंड्रफ या किसी भी तरीके का स्कैल्प कंडीशन। अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन होता है वो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है। अगर जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो गया उसको बोलते हैं जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस। लिवर में इन्फ्लेमेशन हो गया तो लिवर सूज जाता है, उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस। और बालों में अगर इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसको बोलते हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस, और उसका सबसे माइल्ड वर्जन होता है डैंड्रफ, जो कि बहुत ही कॉमन है। बट माइल्ड डैंड्रफ भी आपका हेयर फॉल करवा सकता है, क्योंकि वो आपकी स्कैल्प को इरिटेट करता है। उसी तरह अगर आपको कोई और हेयर कंडीशन है, स्कैल्प कंडीशन है, जैसे एक्जीमा या सोरियासिस, वो भी आपके हेयर रूट को डैमेज करके हेयर फॉल करवा सकता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो आप अपने स्किन केयर एक्सपर्ट के पास जाइए और उनसे पूरी अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट लीजिए ताकि ये कंडीशन ठीक हो सके। चौथा है एनी हेयर सैलॉन ट्रीटमेंट। बीच में बहुत ट्रेंड आया था परमिंग करवाने का, अभी ट्रेंड है स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, रीबॉन्डिंग करवाने का। ये सारे केमिकल ट्रीटमेंट हेयर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। आप खुद ही सोचिए, एक ऐसा ट्रीटमेंट जो आपके बालों के वेविनेस को कम्प्लीटली और परमानेंटली हटा दे लगभग 1 से 2 साल के लिए, वो कितना हार्श केमिकल होगा। हमारा जो हेयर है ना वो एक प्रोटीन बॉन्ड से बना होता है। अगर आप उस प्रोटीन बॉन्ड को तोड़ देंगे तभी आप हेयर का टेक्स्चर और स्ट्रक्चर ऑल्टर कर सकते हैं, मतलब वेवी हेयर को स्मूथ बना दिया या स्ट्रेट हेयर को कर्ली बना दिया परमिंग से। उस प्रोसेस में आपका जो हेयर का बॉन्ड होता है वो लूज हो जाता है, जिससे आपके हेयर में बहुत डैमेज होता है और हेयर फॉल बढ़ जाता है। आप में से जितने लोगों ने भी स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, रीबॉन्डिंग करवाई होगी उन्होंने हेयर फॉल जरूर देखा होगा। और अगर आप खुश नसीब हैं तो वो कुछ दिनों के लिए होगा, और बदनसीब हैं तो पूरी ही थिनिंग हो रखी होगी। इसीलिए जितना हो सके हेयर स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, रीबॉन्डिंग अवॉइड करिए। उसके अलावा अनहेल्दी या फैड डाइट्स भी आपका हेयर फॉल करवा सकती हैं। आजकल हमें इतना ज्यादा सोशल मीडिया का प्रेशर है, स्पेशली विद सेलिब्रिटीज अराउंड, कि करीना कपूर जैसा जीरो फिगर हर कोई चाहता है, और इसके लिए हर कोई कुछ भी करने को तैयार है, चाहे वो सेंसिबल हो या ना हो। अब इसमें
कुछ वाटर डाइट चल रहा है कि दिन भर बस पानी ही पीना है, कुछ खाना ही नहीं है, वाटरमेलन डाइट चल रहा है, 10 तरीके के फैट डाइट चल रहे हैं। अगर आप एक ही तरीके का खाना पूरे दिन हर रोज खा रहे हैं, उससे आपकी बॉडी में काफ़ी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है और इन विटामिंस एंड मिनरल्स की कमी से आपके पूरी बॉडी में तो लॉस होगा ही, बट हेयर पे सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए हेयर इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए हेयर इंपॉर्टेंट ज़रूर होगा फॉर हेयर स्टाइलिंग, टू लुक गुड, टू चेंज द वे वी आर लुकिंग, बट फॉर अ बॉडी आर किडनीज, लंग्स, लिवर, ब्रेन इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। तो जब भी बॉडी में किसी तरीके की कमी आती है, चाहे वो खाने की कमी हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट कमी हो, वाटर की कमी हो, सबसे पहले जो हलाल होता है ना, वो हमारे बाल और हमारा स्किन होता है। इसीलिए फैड डाइट या एक्सेसिव वेट लॉस का सबसे पहला असर आपके स्किन पे पड़ता है कि आपकी स्किन डल हो जाती है और आपके हेयर पे पड़ता है। आपने ज़रूर देखा होगा अगर आपके आस पड़ोस में, आपके दोस्त रिश्तेदार में किसी ने बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया है, उसके साथ उसके बालों की डेंसिटी भी कम हो जाती है। तो वेट लॉस करिए, एक हेल्दी वेट पे मेंटेन रहिए, बट इट शुड बी अ स्लो एंड स्टेडी वेट लॉस विथ अ हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज। डू नॉट फॉलो फैट डाइट। उसके अलावा जो हेयर फॉल करवाता है वो है स्ट्रेस। हम इस चीज़ को बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, बट हमारे लाइफस्टाइल में ना आजकल स्ट्रेस एक बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो या मेंटल स्ट्रेस हो। स्ट्रेस के वजह से हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल, और ये होता है फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन। अगेन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारी बॉडी के लिए हेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जब बॉडी को लगता है वो डेंजर में है तो वो एनर्जी कंजर्व करती है एंड एनर्जी उन सारी चीज़ों से खींच लेती है जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जैसे हमारा हेयर, एंड दैट इज हाउ स्ट्रेस कॉजेज हेयर फॉल। एंड देन देर आर ऑल्सो हॉर्मोनल इम्बैलेंसेज दैट कैन कॉज हेयर फॉल। आपने तो सुना ही होगा एंड्रोजेनेटिक एलोपीशिया इन मेन, जिसको हम मेल पैटर्न हेयर लॉस भी कहते हैं, ये डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। उसी तरह फीमेल्स में हॉर्मोनल इम्बैलेंसेज की वजह से पीसीओडी में हेयर फॉल हो सकता है, या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी या पोस्ट मेनोपॉज हेयर फॉल हो सकता है। अगर आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको हेयर फॉल का एक्चुअल रीज़न पता लग जाएगा और आप अपने हेयर फॉल का सही तरीके से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो हेयर फॉल को एक मामूली हेयर फॉल मत लीजिए, ज़रूर जाकर एक हेयर केयर एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। वो इन सारे चीज़ों में से, जैसे चावल में से घुन चुनते हैं या घुन में से चावल चुनते हैं, उस तरह से वो आपका एग्जैक्ट कॉज बता देगा हेयर फॉल का और ट्रीटमेंट भी उस हिसाब से करेगा, क्योंकि हेयर फॉल जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बी ब्यूटिफुल, बी इन्फ्लुएंशियल।